चैप्टर फाइंडिंग पोर्टली दिस इज वेरी ब्यूटिफुल्सिप बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल इन दिसन अबाउटेंसिप एंड यूल इम्पोर्टेंट टू हेल्प फ्रेंड्स हु आर इन नीड इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे की जो फ्रेंड होता है वह हमारी आवश्यकता पढ़ने पर सहायता करता है तो वही हमारा सच्चा मित्र होता है यह स्टोरी जो है वो इसमें तीन कैरेक्टर हैं एक मोल है रेट है और वॉटर ओटर है और इसमें जो पोर्टली है ये ओटर का बेटा है तो उसी पर आधारित ये पूरी स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ओके आई विल एक्सप्लेन शोर्टली बिकॉज इट इज वेरी लेंथी पीछे छिप रहा है डार्क रिवर बैंक नदी जब आपने देखा है ये शाम के समय के बारे में बताया गया है कि शाम का समय हो रहा है तो उसमें जब सनसेट होता है तो जो वो पीछे छिपता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसी सिंगिंग ही डेलिकेट सॉन्ग और कैसे गा रहा है अपना प्यारा सा गीत भी गा रहा था इट कितने बजे थे ओ हो चुके थे रात रात में लेकिन स्काई जो है उसमें अब भी हल्की रोशनी थी आपने देखा होगा कि रात में हल्की रोशनी होती है दो हीट और जो गर्म था दिन की जो गर्मी थी वो भी अब थोड़ी कम हो गई थी ब्रोकअप कम हो गई थी रोल्ड अवे टच और थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा था मौसम द नाइट क्योंकि जब आधी रात हो जाती है उसमें थोड़ा अच्छा सा मौसम होने लगता है गर्मी थोड़ी कम होती है मोल ऑन द बैंक अब मोल जो था वो लेटा हुआ था नदी के बैंक भी नदी के किनारे पर स्टिल पैंटिंग वो वो अपना जो दिन भर का जो तनाव है स्ट्रेस है उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा था और लेटा हुआ था वहां पे सनसेट हो चुका था एंड वेटेड और किसका इंतजार कर रहा था अपने मित्र का इंतजार कर रहा था वाटर रेड कि वाटर रेड जो उसका मित्र है फ्रेंड है वो लौटने वाला है वाटर रेड जो है वो कहाँ गया था ओटर के पास गया था ओटर उसका मित्र था तो वो ओटर के यहाँ गया था वो देखने के लिए एंड वाज डाउटलेस और क्या था वो लेट हो गया था लेकिन विद हिज ओल्ड फ्रेंड अपने मित्र वहां पर पहुंचने के बाद वो लेट हो गया नहीं आया वहां से इट वॉज स्टिल लेकिन अब बहुत गर्मी थी अब सोचने लगा वह मोल कि अंदर जाने में बहुत गर्मी है जैसे आप कभी कभी सोचते हैं गर्मी में कि अंदर जाएंगे, गर्मी बाहर अच्छा लगता है ऐसे ही मोल जो है वो अब भी लेटा हुआ था वहां पर उनके पतियों के नीचे और वो सोचता रहा पूरे दिन के बारे में पास डे में कैसा गुजरा और, और उसने क्या क्या किया उसके बारे में वो सोचता रहा वहां पर लेटे हुए इन दिस पिक्चर यू कैन सी मोल ये इसमें जो मोल है वो लेटा हुआ है और ये यहाँ पर सोच रहा है देखिए सनसेट का समय है सीन है ये तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, एक अच्छी सी ड्रॉइंग बना सकते हैं, ओके द रेड फाइनली हार्डिंग ओवर से रेड की जो है हल्की सी चलने की पैरों की आवाज जो है उसे पैरों की आवाज सुनाई दी कहाँ पर घुस सूखी हुई घास पर ओ द ब्लेस कूलनेस अब उसने बोला ओ द ब्लेस कूलनेस अब उसे थोड़ी शांति और वो बैठ गया गेजिंग इन टू द रिवर और कहां पर केयर देखता रहा वो रिवर में साइलेंट एंड और सोचते हुए यू स्टेड फॉर डिनर ऑफ सेट द आफ्टर वाइव मोल ने कुछ देर बाद कहा कि तुम डिनर के लिए रुके रहे वहा अवश्य सेट द रेड और उसने कहा अब रेड ने कहा सिंपली ऐसे बोल दिया कि हाँ यही है जैसे उसने बोला मोल ने जैसे आपसे कोई बोलता है कि आपको इतनी देर क्यों हुई आपके साथ ऐसा ऐसे ही रैटने का उसने भी हाँ कर दिया उसने मोल ने उससे पूछा तो रैटने कर दिया यस हाँ दे वु हियर ऑफ माई लिविंग बिफोर और वो कह रहा है कि नहीं सुना उसने कि जब मैं जब मैं वहां से आया वो वहां की बात बता रहा है कि जब मैं वहां से आया तो नहीं सुना यू नो हाउ काइंड दे ऑलवेज आर अब वो किसके बारे में बता रहा है दे किसके लाया ऑर्डर के क्योंकि ऑर्डर के यहाँ गया था रेड तो वो उसके बारे में बता रहा है कि तुम जानते हो वो कितने दयालु हैं एंड दे मे थिंकली फॉर मी और उन्होंने मेरे लिए ही happy, jolly happy, कि वो इतने खुश हुए could, जितना वो कर सकते थे राइड उस समय कि वो इतने खुश थे ऊपर से नहीं था जब मैंने उन्हें छोड़ा वो बहुत ही खुश खुशी प्रकट की उन्होंने बट आई फेर टेरीवल लेकिन मुझे बहुत ही भयानक लगा बुरा लगा ऑल द टाइम पूरे समय में एज इटवा जब उसे क्यों बुरा लगा रेड को वो बता रहा है अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये दोनों बैठे हैं मोल और रेट अब रेट ओटर के यहाँ से आया तो वो इसको वहां की बातें बता रहा है जो रेट है ओके तो वो कह रहा है कि मुझे बहुत बुरा लगा क्यों क्योंकि इट वॉज क्लियर टू मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट था देवर वेरी एनहेपी की वे दुखी थे कि वो खुश नहीं थे लेकिन वो मुझे दिखा रहे थे मेरे सामने उन्होंने दुखी प्रकट नहीं की दो दे ट्राइड टू हाइड इट यद्यपि वे इसको उन्होंने छिपाया मोल आई एम फ्रेड अब मोल अब वो कहता है मोल मैं डरा हुआ था दे आर इन ट्रेवल कि वो संकट में है लिटिल पोर्टली मिसिंग वो क्यों संकट में थे क्योंकि जो पोर्टली है जो उनका बेटा है वो मिसिंग अगेन वो फिर से गायब हो गया है कहीं पर क्योंकि ये पोर्टल ये जो था पोर्टली ये अक्सर चला जाया करता था इसलिए उन्होंने दिया है मिसिंग अगेन क्यों दिया क्योंकि पहले भी वो गायब हुआ होगा पहले भी गया होगा ऐसे ही तो वेट चाइल्ड शायद अब मोल ने केयरलेसली केयरलेसली कहा बड़ी कोई परवाह नहीं की मोल ने जैसे हम कोई हम घटना सुनते हैं तो दुखी होकर पूछते हैं वो दुखी नहीं हुआ उसने वार्टा चाइल्ड क्या हुआ उस बच्चे का भाई बड़ी बावटी इसमें चिंता करने की क्या बात है बात नहीं है ही क्योंकि वो हमेशा घूमता वॉल्टिम इज रोमिंग वो हमेशा घूमता रहता है अंगेटीलोड और खोया जाता है और फिर से वो वापस आ जाता है ही सो एडवेंचरस वो बहुत ही सासी है अब मोल ने इतना केयरलेसली क्यों कहा था क्योंकि उसे पता था कि वो पहले भी कई बार जा चुका है और वापस आ जाता है इसलिए उस, उसे उसकी परवाह नहीं हुई किसकी पोटली की ओटर के बेटे की बट नोहार में लेकिन उसे अभी तक कोई भी हानि नहीं हुई है फिर जानता है और उसको पसंद भी करते हैं सभी कोई भी जो एनिमल है वो उसको ले जा सकता है अपने साथ एंड एक उसको पार करवा सकता है ने? और वापस उसे घर भेज सकता है फाइव भी हैव फाउंड हिम आवर सेल्फ तो हम उसे क्यों पता लगाएं इसका अपने आप माइस फ्रॉम होम इतनी दूर घर से इतनी दूर क्यों जाए मिलो एंड क्वाइट कंटेंट एंड चेयरफिल वो बिल्कुल शांत हो जाओ और हैप्पी हो जाओ अब वो रेड से कहता है कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि वो जो पोटली है वो तो अक्सर जाता रहता है और वापस आ जाता है यस बस दिस टाइम इट्स मोर सीरियस अब सेड द रेड सीरियसली अब रेट ने बड़ी गंभीरता से कहा कि इस बार ऐसा नहीं है बहुत ही गंभीर मामला है बात है कि वो जो है मिसिंग हो रहा है कुछ दिन से कुछ दिन से वो गायब है या हाथ नहीं आ रहा है एंड द ऑटर्स हैव हंटेड और ऑटर्स जो है उन्होंने हर पेटी जगह उसे ढूंढ लिया है हाई एंड लो ऊपर नीचे सब जगह विदाउट लेकिन उन्होंने कहीं भी उसको नहीं पाया उसका एक भी निशान नहीं पाया देव आस अब भी प्रति एनिमल से भी पूछ रहे हैं फोर माइल्स अराउंड और बहुत दूर तक चले गए हैं मीलों तक चले गए हैं और कोई भी नहीं जानता उसके बारे में किसके बारे में पोर्टली के ओटर अब ज्यादा चिंतित है देन ही विल एडमिट कि उसने स्वीकार का वो यंग पोर्टली क्योंकि जो उसका बेटा है यंग पोर्टली है यंग पोर्ट वो उसने अभी तक तैरना भी नहीं सीखा है उसने अभी तक अच्छी तरह से तैरना भी नहीं सीखा है एंड देन देर आर टेप एंड थिंग्स

कि वो बह चाहता है स्टैचिज लेग्स कि अपने पैरों को फैलाना चाहता है बट आई कुड सी इट वाज इन ले। लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं देखा आई क्वेश्चन ही मैंने उससे पूछा एंड गोट इट ऑल फ्रॉम एट लास्ट और अंत में क्या हुआ कि वो से मिल गया ही वाज गोइंग टू स्पेंड द नाइट अब क्या होता है वो दोनों वो अपनी जो रात है वहीं पर बिता रहे हैं वाचिंग बाय द फोर्ड फोर्ड के किनारे पे फोर्ड क्या होता है जो उसका किनारा होता है उसे प्लेस you know कि तुम जानते हो कि अब जो है वो चिंतित क्यों है वो कहता है कि वह इसलिए चिंतित है कि अब उसे सही से तैरना भी नहीं आता था और जब उसे छोड़ा कि उसका कहीं पता नहीं चल रहा प्लेस इन अ रिवर की नदी में गहरा स्थान होता है कि अब उसे डर है कहीं वो वहां ना चला गया हो सेड द मोल अब आई नो इट वेल कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बट वाई कुड वोटर चूज टू की लेकिन होटल ने वहां जाना क्यों चुना कि वो वहां क्यों गया फोर्ड के पास क्यों गया वो कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह यह वह स्थान था वेर ही गेव कि जहां पर उसने पोर्टली को दिया था फर्स्ट स्विमिंग जहां उसने पोर्टली को पहला लेसन सिखाया था कि सबसे पहले इसलिए वो वहां पर गया था कंटिन्यू द रेट अब रेट ने जारी रखा अपनी बात बताना एंड इट वॉज फिशिंग करना सिखाया था यहीं पर जो यंग पोल्डी है उसने पहली अपनी फिश को पकड़ा था ओ जिस पर उसे बहुत ही गर्व था द चाइल्ड ऑफ़ द स्पोर्ट तो ये बच्चा जो है उस जगह को पसंद करता था तो ओटर ने यही सोचा कि शायद वो घूमते घूमते वहीं पर कहीं पहुंच गया हो इसलिए वो उसको वहीं पर ढूंढने के लिए चला गया फोर्ड पर जो ओटर है और इफी के मैक्रोस हो सकता है वो पार कर गया हो स्टोब डेयर वहां से Play, और खेलता खेलता चला गया वो ऐसा भी हो सकता है सो so, ओटर इसलिए ओटर नाइट साइलेंट अबे दोनों जो है ऐसी बातें करते करते थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं कौन जो रेड था और मोल था और दोनों सोचने लगते है एक चीज के बारे में वो अकेले थे और बहुत ही दुखी थे वो सोचते हुए और वो इंतजार कर रहे थे वहां पर और बहुत देर तक सोचते रहे लेकिन उसके बाद रेट ने कहा कि अच्छा अच्छा कि अब हमें अब हमारा अनुमान है कि हमें अब बेड पर जाना चाहिए मैं सोना चाहिए बट ही नेवर मूड लेकिन वो जो है हिला नहीं कौन मोल रेड से अब रेट ने फिर से फिर से अब मोल ने कहा रेट से रेट आई सिंपली कहा कि मैं सोने नहीं जाना चाहता इवन दो देर कि क्यों क्यों नहीं सोने जाना चाहता वो

एज वी गो अलोंग की हम चले जाएंगे पास में ये देखिए यहाँ दोनों ये रेट और मोल है ये दोनों निकल पड़ते हैं किसको ढूंढने के लिए पोटली को ढूंढने के लिए बोट में ये निकल पड़ते हैं दोनों अपने ओटर के बेटे को ढूंढने के लिए अब वो दोनों रेट और मोल जो है वो ध्यान से निकल पड़ते हैं अपनी बोट पर और आधे उसमें क्या होता है पानी की धारा में आधे उसमें बीच में ही रिवर में क्या होता है कि उन्हें दिखाई देता है आकाश देखते हैं वो और लेकिन वहां पर शेडो भी दिखाई देती है परछाई भी दिखाई देती है पानी पर परछाई पड़ी है किसकी फ्रॉम द बैंक बुस झाड़ियों की ट्री की और सोलिड इन देंग डेम सेल्फ और वहां पर उसके किनारे पर एंड द मोल हैड टू स्टेयर कोशियली और मोल जो है वहां पर ध्यान से कोशिस्ली कोशियली मीस क्या होता है डिलिबरेटली बड़े ही ध्यान से वहां पर जाता है वो जाते हैं बोलो और टाइम देअर बोट और अब वो अपनी बोट को जो है बांधते हैं एक शाखा से बांधते हैं और दोनों जो मित्र हैं वो अपनी शांति सा, से साइलेंट लैंड करते हैं सिल्वर किंगडम सिल्वर किंगडम क्यों क्यों कहा गया है क्योंकि जो मून है उसकी रोशनी हो रही है एंड पेशेंटली धैर्य से एक्सप्लोर द झाड़ियों में वो ढूंढते हैं द होलो ट्रीज और जो ट्री है उनमें भी ढूंढते हैं किसको पोटली को गड्ढों में भी ढीचे गड्ढों में भी ढूंढते हैं और ड्राई वाटर वेस्ट और पानी उधर पानी की तरफ भी ढूंढते हैं जहां पर थोड़ा खाई सी होती है और वे और काम करते हैं दे अपने तरीके से स्टीम इन दैन द मून जबकि मून जो है मून भी वहीं पर है दो सो लेकिन बहुत दूर है टू हेल्प तो देम इन देयर सर्च उनकी सहायता करने के लिए टिल हर आर केम और अब हो गया है घंटा आ गया है सी सैंक अर्थ वार्स रेलुटेंटली अब अब क्या होता है जब वो जाते हैं रेलुटेंटली मीज अनविलिंग कि न चाहते हुए भी एंड वो वहां से अब छोड़ने के लिए तैयार होते हैं जाना चाहते हैं कि इच्छा नहीं करी लेकिन जाते हैं द फील्ड अब खेत और जो नदी है फिर एक बार फिर से अंधेरा हो जाता है वहां पर मून जो है अब जा रहा है आपको पता है कि आधी रात की फिर मून सेट हो जाता है तो अब वो जाना नहीं जाता लेकिन अब मून को जाना मून तो चला जाएगा तो उसके बाद अंधेरा हो जाएगा देन है तब क्या होता है बिगेन टू सोल केप इन टू दर्ल्ड धीरे से आवाज आती है किसी के रेंगने की क्रीप में से धीरे धीरे द होरिजन बीकॉम क्लियर और अब क्या होता है साफ हो जाता है फील्ड एंड ट्रीज और पेड़ के मोर विजिबल अब वो दिखाई देने लगते हैं कि अब जो है सुबह हो रही है धीरे धीरे एंड द डार्कनेस और डार्कनेस जो है वो समाप्त हो रही है सुबह हो रही है अब वर्ड अब पक्षियों की आवाज आ रही है विशल में उनकी आवाज आ रही है जैसे सुबह होता है तो पक्षी चेह चाहते हैं तो आवाज आ रही है और अचानक से क्या होता है तभी हल्की हवा आई जल्दी ही वो वहां पर आ गए जहां पर रिवर जो है डिवाइड होती है उसके दो भाग होते हैं बैक वाटर तो वहां पर आ गए एक साइड पर उसकी ब्रांचेज है और विद स्लाइट मूवमेंट और बिल्कुल ही हल्के मूवमेंट के साथ रेड जो है वो डायरेक्टेड मोल टू टेक दैग वाटर वो पीछे ले गया पानी के पास द क्रीपिंग टाइड ऑफ लाइट इंक्रीज और अब जो है रिंगते हुए बोले धीरे धीरे वो उधर बढ़ रहे हैं और उन्होंने देखा कलर ऑफ द फ्लॉर्स फूलों का कलर देखा और सुगंध देखी जो वाटर के किनारे पर जो बहुत ही सुगंधित फूल थे उनकी सुगंधी दूसरी साइड क्या होता है एज डे फ्लोटेड जैसे वो दूसरी तरफ गए उधर क्या था मीडो ग्रास फ्रेश एंड ग्रीन बड़ी अच्छी घास थी जो ताजी और हरी थी तो ये उसका किनारे का वर्णन किया गया है वहां पर ऐसा हरा भरा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था जितना वहां बहुत ही सुंदर है ये उसी का वर्णन किया गया है उन्होंने देखा वहां पर ये विलो हर सो ग्रीन थे बहुत ही हरे भरे पेड़ थे सुगंध अच्छी आ रही थी और वहां पर क्या हो रहा था डैम ये डैम है डैम के बारे में बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में डैम के बारे में ही बताया गया है तो उन्हें वह बहुत ही अच्छा लगा अब धीरे धीरे दी, से क्या होता है बट विद नो डाउट अब उन्हें कोई भी संदेह नहीं रहा था और संकोच नहीं था But so क्योंकि दोनों एनिमल जो है वो वहां से गुजरे वाटर और मूड रेयर बोट अपनी उन्होंने बोट को लिया वहां से मूड मूड मीन्स क्या होता है अटाई बोट की वहां पर बांधा उन्होंने खड़ा किया फिर से फ्लोरी मार्जिन आईलैंड के पास में जहां पर फ्लोवर थे इन साइलेंस और फिर शांत हो गया फिर से सब कुछ दे लैंडेड फिर से उन्होंने लैंड किया और थ्रू रुदा और फिर से वहां से पुश किया और अब वो कहा मार्बल्स बहुत ज्यादा हरा भरा था वहां पर वो खड़े थे मोल और रेड से वही पर वो स्थित हो गए नेचर ओन ऑर्चर्ड ट्री जहाँ पर ऑर्चर ट्रीज थे एप्पल थे वाइल्ड चेरी और एंड स्लोई स्लोई मीस अ टाइप ऑफ फ्रूट ये सब फ्रूट और टी उसके नाम है सारे फ्रूट्स हैं ये एप्पल चेरी और स्लोई फ्रूट है राइट सोट अब ये बहुत ही अच्छा एक प्रकार की जगह थी की कोई भी फाइंड अब उन्होंने सोचा कि हमें उसे यहाँ पर पाना चाहिए हो सकता है वो यहाँ पर ने कहा और उन्होंने देखा कि वहां पर एक लिटिल फेलो एक छोटा सा कोई प्राणी है विद क्राई ऑफ डिलाइट वो बहुत खुशी कुछ, थोड़ी खुशी चिल्ला रहा है थोड़ी आवाज कर रहा है रेड जो है उसकी तरफ दौड़ा क्लस्टर ऑफ फ्लोअर्स वहां पर फूलों का समूह था मीन्स फूलों के अंदर रेड दौड़ा उसने देखा ले लिटिल की वो जो लेटा हुआ है राउंड चुबी फॉर्म ऑफ द बेबी ओटर और वो कैसा था बेबी ओटर की साउंडली एंड पीसफुली असलीप उन्होंने जो अब बेबी ऑटर है मीन्स पोर्टली को उन्होंने कैसा पाया साउंडली बहुत ही पीसफुली असली वो सोया हुआ था कि जैसे धीरे धीरे घराटे लेते हुए सोते ऐसे वो सोया हुआ था सोते हुए पाया

बैठाया बिटवीन डैम इंडा अपने बीच में बॉटम ऑफ द बोट के बीच में बैठा उसको पोर्टली को एंड पैदल था वो चलने लगे पानी के पीछे की तरफ द सन नाव बिल्कुल चमक गया था कि दिन निकल गया था ऑन द डैम वो गर्म था बर्ड्स अब जो पक्षी हैं वो भी बड़े उत्साह से गा गाने लगे एंड फ्लोअर्स और फ्लोअर भी स्माइल कर रहे थे एंड नोडेड फ्रॉम द बैंक्स और वो सब हिल रहे थे नदी के किनारे पर अब पोर्टली फाइंड किया गया अब उसको पा लिया गया है अब उसके बाद देखते हैं क्या होगा ओके बेटा इज द मेन रिवर अब वो बीच नदी में पहुंच गए उन्होंने बोट को अपनी मोड़ा फी से टू वाज द फोर, फोर्ड फोर्ड की तरफ वेयर दे क्यूंकि वो जानते थे कि उनका जो फ्रेंड है वोटर वो, वो कहा जाता था फोर्ड पर जाता था पोर्टली को ढूंढने के लिए तो वहां पर उन्होंने उधर ही ले गए वो एज दे और जैसे ही वो उधर गए पास में फैमिली फोर्ड पर मोल टू बोट मोल ने टूक बोट को लिया टू दैंग किनारे परिफ्टेड पोर्टली उन्होंने क्या बोला फ्रेंडली मित्रवत फेयर बिदाली पैट ऑन दैग उसकी बैग पर थपथप थप थप आया जैसे हम किसी को मिलते हैं अब उन्होंने बताया तो शावासी दी एंड सेंट हिम ओनिजे रास्ते में भेज दिया दे वॉच द लिटिल एनिमल एज दिल्व इन और उन्होंने पहचान लिया उन से फादर, अपनी फादर की तरफ जा रहा था लुकिंग फ्रॉम द रिवर और वहीं से वो देखते रहे से दे सी ओटर जम्पअप उन्होंने देखा की ओटर एकदम से कूदा टेंस एंडिट आउट ऑफ द शेलोज वेर ही वॉज क्राउड इन साइलेंट जहाँ पर वो साइलेंट

इसका अंत हुआ क्योंकि पोटली को पा लिया गया था आई फील अब ने कहा कि मैं बड़ा ही आश्चर्य से महसूस कर किया मैंने मैं थक गया हूं अब क्योंकि वो थक गए थे सेट द मोल मोल ने कहा लीनिंग अब वो बहुत थके हुए थे वो झुके और एज द बोर्ड बोर्डेड जैसे उन्होंने बोर्ड को वहां पर स्टॉप किया इस अप ऑल नाइट और ऐसा पूरी रात हुआ उन्होंने कहा यू विल से सेव शायद पर देट नथिंग लेंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ वो वह कहते हैं कि हमने किया जितना हमें करना चाहिए था उधर और इस टाइम इस समय इस साल नो आई फील एज इफ आई हैड बीन थ्रू समथिंग वेरी एक्साइटिंग मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हमने ऐसा कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं किया लेकिन मुझे फ्राइटनिंग भी लगा कि उत्साह से भरा हुआ था जो हमने किया कि फोर्डली पाया गया लेकिन मुझे मैं डरा हुआ भी था क्यों क्योंकि वो जब वो अकेले गए थे उधर तो वहां पर डरे हुए थे एंड इट बात जस्ट वो बार लेकिन अब सब कुछ हो गया है नथिंग अब कोई विशेष बात नहीं रही है क्योंकि अब सही हो गया है पहले उन्हें डर लगा था अकेले जाते हुए कि हम हजारों मील तक जाएंगे बट नो आंसर लेकिन अब कोई उत्तर नहीं आया ही एंड अंडरस्टूड अब वो समझ गया शांत है क्योंकि वो थक गया था तो उसने तो पूछा विद स्माइल ऑफ मच हैप्पीनेस फेस उसके फेस पर स्माइल थी वो खुश था द ई रेड बारे क्योंकि वियरी रेड वियरी वीयर थका हुआ जो रेड था वो सो गया था मोल ने उससे आंसर क्वेश्चन किया लेकिन वो सो गया था इसलिए कोई आंसर नहीं आया बिल्कुल शांत था क्योंकि वो थका हुआ था ओके स्टूडेंट्स ना आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि जैसे जो रेट और मोल थे उन्होंने अपने फ्रेंड की सहायता की और जिससे कि उसका ओटर का जो बेटा है वो मिल गया सो स्टूडेंट्स यू शुड डू ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स ये स्टोरी किसने लिखी है केनेथ ग्राहम ने लिखी है ओके लेट्स डू वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट मिड समर द मिडिल ऑफ समर मध्य रात्रि में वांडरिंग ट्रोमी घुमरा फोर्ड अ शेलो प्लेस इन अ रिवर गहरा स्थान नदी में क्राउच मिस टू बैंड झुकना अपने पैरों पर कॉशियसली डेलिबरेटली बड़े ही कोमलता से ध्यान से रेलुक्टेंटली अनबिलिंगली न चाहते हुए बलरसे अ टाइप ऑफ वाटर प्लांट एडोन डेकोरेटेड सुगंध सजाना मरमर ग्रम्बल मटर बड़बड़ाना धीरे से कहना एक्सपेडिशन कैंपेन अभियान मूड अटाई अबोट टूटाई अबोट एंकर बांधना बोट को स्लोए अ टाइप ऑफ फ्रूट डिगर ट्विस्ट टू मूव और स्क्रीम मोड़ना फ्राइटनिंग फियरफुल भयानक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हु वाज मोल बेटिंग फॉर रेड आंसर ए इज राइट वरीड क्यों चिंतित था आंसर ही गुड एंड फ्राइडे सन ए आंसर इज राइट वेयर डीर द टू फ्रेंड सर्च उन्होंने पर उसको खोजा द रिवर सी आंसर इज राइट वाट टाइम ऑफ डे हेज मोस्ट ऑफ द स्टोरी बीन सेट इन लेट नाइट वेयर डीर द टू फ्रेंड्स फाइंड पोर्टली असली पैट होम नियर द डैम Near the fort. So, answer B. Near the dam. Right. T for true, F for false statement. Mole was worried about Otter's missing son. Yes, this is true. The, fr the friends went to bed and did nothing to help Otter. No, this is false. Otter was spending the night watching for his son. Yes, this is true.

पोर्टली क्योंकि उसने वहां पर रोशनी की थी वाट वाज पोर्टली डूइंग बहन ही वाज फाउंड पोर्टली वाज असली एमिडिस अ क्लस्टर ऑफ फ्लोवर्स वाई वाज रेड साइलेंट एट द एंड ऑफ द सर्च द वेरी रेड वाज अस्लीप एंड हेंस डिड नॉट आंसर मोल। वो क्यों साइलेंट था क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ था और सो गया था लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फर्स्ट

कि वहां पर ग्रीन थी, थी और मिडोज मार्वलस ग्रीन थी वो सब लिखना है तो देर वार रिच ग्रीन एंड फ्रेश ये आपको थोड़ा आ जाए और ये आप अपने आप कर सकते हो इन योर वर्स ओके स्टूडेंट सो यू कैन सी इट इसको आपको और भी लॉन्ग कर सकते हैं बुक में से चैप्टर में से टीट करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिफरेंस टू कॉन्टेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन

द मोल एंड सेट आउट इन दर बोट टू फाइंड आउट पोर्टली एंड हैड फाउंड जो उन्होंने वो तो एक्साइटिंग था लेकिन जब वो गए थे अकेले वो उनको बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग लग रहा था वाइट एट दथिंग लेकिन कुछ भी विशेष नहीं है क्यों कहा मोल ने द बोट राइट हैड बीन स्मूथ क्योंकि उनकी बोट राइट हो गई थी कोई परेशानी नहीं हुई दे हैड उन्होंने पोर्टली को पा लिया था इसलिए उन्होंने बोला कि कुछ भी विशेष नहीं हुआ कि कुछ भी घट नहीं उनके साथ घटना घटित हुई जो वो डर रहे थे ओके स्टूडेंट्स नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड यू हैव टू डू इन गुड हैंड राइटिंग एंड अंडरस्टैंड ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय बाय